नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सिंबल साइकिल पर आज चुनाव आयोग सुनाएगा फैसला। विवाद ना सुलझने पर एसपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर सकता है चुनाव आयोग। मुलायम और अखिलेश को अलग अलग सिंबल पर लड़ना पड़ेगा चुनाव। यूपी उत्तराखंड के लिए 15 जनवरी को आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। बुधवार को अमित शाह के घर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिन भर चली बैठक। बजट की तारीख पर चुनाव आयोग आज सुना सकता है अपना फैसला। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से बजट टालने की थी अपील। 1 फरवरी को पेश होना है आम बजट। बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के बाद अब सेना के जवान ने उठाई आवाज। लांस नायक यज्ञ प्रताप ने अधिकारियों पर लगाया शोषण का आरोप, कहा जूते साफ करवाते हैं अधिकारी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में परेशानी की वजह से पटना के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामविलास से मिलने पहुंचे लालू यादव। इलाहाबाद में नामी डॉक्टर के मर्डर से हड़कंप। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और दिल्ली सहित पहाड़ी इलाकों में कोल्ड अटैक जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 और 16 जनवरी को शिमला समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।